स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्वनी कुमार वर्मा आज आपके सेकंड ईयर के पेपर बॉटनी फर्स्ट जो प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी है इसका टॉपिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक बॉडी प्लान ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पादप के दो मुख्य तंत्र होते हैं, बिलो ग्राउंड पार्ट रूट सिस्टम एंड अबव ग्राउंड ग्राउंड पार्ट शूट सिस्टम। तो ये एक पादप की सामान्य मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पादपों में विभिन्न प्रकार के आकार, आमाप एवं उनके प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब तो हम ये देख लें कि हमारा जो पेपर है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का क्या मीनिंग है। देखिए, मॉर्फोलॉजी जो है वह एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अर्थात किसी पादप के आकार, शेप, साइज, उसका आमाप, फॉर्म्स तथा उसकी जो आकारिकी है उसके प्रकार के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वह मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है यह लिया गया है मार्फस प्लस लोगोस से। मार्फस का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर एंड लोगोस का मतलब हम जानते हैं टू स्टडी होता है। तो टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, अगर हम इसको मोर प्रसाइसली कहें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, टू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज द प्लांट मॉर्फोलॉजी। अनदर टर्म दैट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी जो वर्ड है यह लिया गया है एना प्लस टोमिया से, ग्रीक वर्ड है। एना का मतलब होता है अप और टोमिया का मतलब यहाँ पर लिया गया टू कट अथवा कटिंग, यानी कि ऊपर की ओर कटिंग करने पर जो संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं उनको इन्होंने एनाटॉमी के अंतर्गत लिया गया है। तो एनाटॉमी एक्चुअली डिनोट्स फॉर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, पादपों के संरचनात्मक संगठन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वह प्लांट एनाटॉमी कहलाएगा। संरचनात्मक संगठन का तात्पर्य है कि एक जो पादप की जो बॉडी है, शरीर है, वह विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है और अंग विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनते हैं। और हम जानते हैं कि ऊतक एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं जो कि एक समान कार्य को संपादित करने में सक्षम होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो ये बात हो गई कि हम इस पेपर में आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स, यानी कि पादप किस किस प्रकार के पाए जाते हैं और एक इनके जो आकार, आमाप एवं प्रकार हैं इनको समझने के लिए हम इसको कुछ खंडों में विभक्त कर देंगे। सबसे पहला खंड है हमारा डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट, विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने के कारण पादपों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन विकसित हो जाते हैं और इन अनुकूलनों के कारण उनमें उनके आकार, आमाप एवं बाहरी संरचना एवं आंतरिक संरचना में विभिन्न प्रकार के विभिन्नताएं या डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं। तो ये जो वेरिएशंस या विभिन्नताएं हैं ये किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो हम देख लें। मुख्य रूप से आवास के आधार पर पादपों को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला भाग है हाइड्रोफाइट्स, ऐसे पादप जो कि जलीय आवास में पाए जाते हैं, जलीय आवास में रहते हैं, उनको हम जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है एक्वेटिक प्लांट्स अर्थात जलीय पादप। दूसरा है मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब होता है कि ये ना तो जलीय होते हैं ना ये मरुद्भिदीय होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जीरोफाइट्स या मरुद्भिदीय पादप, मरुद्भिद पादप। तो इनके बीच का जो वातावरण होता है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कि जहाँ मृदा जो है वह आर्द्र रहे
ऐसी मृदा में पाए जाने वाले जो पादप हैं वे मीजोफाइट्स कहलाएंगे। तो लिव्स इन द प्लांट्स विच लिव्स इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल मैंगो, एम्बली का आंवला, आम वगैरह जो है, गुड़हल है, ये सभी जो पादप हैं मीजोफाइट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है मरुद्भिदीय पादप। मरुद्भिदीय पादप, जहाँ एक और हम हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं जो जलीय पादप होते हैं, जलीय आवास में पाए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है, जबकि इसके विपरीत जीरोफाइट्स में, ये जीरोफाइट जो पादप होते हैं ये उस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं जो कि शुष्क होता है अथवा जहाँ पर जल की कमी होती है। जल की कमी वाले आवासों में पाए जाने वाले पादप जीरोफाइट्स या मरुद्भिद कहलाते हैं। सो द प्लांट्स विच लिव्स इन ड्राई एंड डेजर्ट हैबिटेट्स, जो डेजर्ट होते हैं, मरुस्थलीय मरुस्थल होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले पादप भी जीरोफाइट्स होंगे। चाहे वो जीरोफाइट्स हों या हाइड्रोफाइट्स हों, जैसा कि मैंने पहले बात की, इनमें विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं, जो कि उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए उस पादप को अनुकूलित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो जीरोफाइट्स होंगे, इनमें विभिन्न प्रकार के कांटे पाए जाते हैं या पत्तियां जो है वो शूल में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कि जो जल है उसका जो वाष्पोत्सर्जन है वह कम किया जा सके। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से जल का ह्रास होता है, तो ये जो पादप होते हैं जल को रिटेन करते हैं, अपने पादप शरीर के अंदर रखते हैं और उसके ह्रास में कमी लाते हैं। इस प्रकार के उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स हैं उनमें प्रचुर मात्रा में जल में उपस्थित रहते हैं। इनकी जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर जो मीजोफिल होता है पर्ण की आंतरिक संरचना में जो मध्य का जो ऊतक होता है बीच का, वह मीजोफिल कहलाता है। मीजोफिल में अंतरकोशिकीय अवकाश बहुतायत से पाए जाते हैं, जिससे कि इन पादपों में गैस मुख्य रूप से इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में प्रयुक्त एवं निकलती हैं, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इनका आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसलिए इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स का बाहरी वातावरण से या जल से बाहर के वातावरण से कम संपर्क हो पाता है। तो ये तो बात हुई अडेप्टेशंस की, कि विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने के लिए पादपों में विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जो कि उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए पादप को क्षमता प्रदान करते हैं। जीरोफाइट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ओपंशिया एंड कैपेरिस। हम जानते हैं नागफनी के बारे में, इसमें कांटे होते हैं बहुत, कैपेरिस में भी इसी प्रकार शुष्क आवास में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स की जब हम बात करें तो ये तीन प्रकार से, मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम इसको पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट्स को तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स वे जलीय पादप होते हैं कि जो कि जल में निमग्न रूप से उपस्थित रहते हैं, अर्थात जल में डूबे हुए रहते हैं, जैसे कि हाइड्रिला और निम्फिया, हाइड्रिला वेलिसनेरिया एट्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जो कि जल की सतह पर तैरते हुए रहते हैं, यानी कि उनका अधिकतर जो भाग है वह जल की सतह के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि आइकोर्निया, जो जलकुंभी है, वुल्फिया है। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स ऐसे पादप जिनका कुछ भाग जल में होता है, जो ग्राउंड प्लांट पार्ट होता है वह, यानी कि जो तने का निचला हिस्सा होता है वह जल में डूबा हुआ रहता है, तथा बाकी का जो भाग होता है वह वायवीय होता है। इस प्रकार के पादप एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे कि टाइफा, मार्सिलिया एट्सेट्रा। तो ये मुख्य रूप से हमने हैबिटेट के आधार पर आज तीन प्रकार के डाइवर्सिटी देखी, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो अभी हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू हैबिटेट, अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू सॉइल, नेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी।
देखिए मृदा की जो प्रकृति होती है, मृदा में कई अम्लीय होती है, कई क्षारीय होती है, मृदा में किसी लवण की कमी होती है, अधिकता होती है, उसके आधार पर ये मृदा की प्रकृति निर्धारित होती है। तो मृदा की अगर प्रकृति अलग हुई तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है उनमें भी विभिन्न प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं, और उन अनुकूलनों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि एक विशिष्ट आकार, आमाप, संरचना, प्रकार इत्यादि को जन्म देती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो मृदा की प्रकृति है उसके आधार पर एवं जो जल की अवेलेबिलिटी है, जल की आवश्यकता होती है पादपों को, उसके आधार पर हम पादपों को निम्न भागों में और बांट सकते हैं। पहला है अम्लोद्भिद या ऑक्सिलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जो कि अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। ऐसी अम्लीय मृदा में कैल्शियम का अभाव होता है, तो कैल्शियम का अभाव होने के कारण ये मृदा अम्लीय होती है, और ऐसे पादपों को हम अम्लोद्भिद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रूमेक्स। अगला है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद ऐसी मृदा जिसमें कि लवण ज़्यादा पाए जाते हैं, समुद्री जल के या समुद्र के नज़दीक जो मृदा होती है वहाँ पर जो पाए जाने वाले पादप होते हैं वे लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं, जैसे कि टैमेरिक्स, साल्सोलाइड एक्सेट्रा। अगला हम देखते हैं बालुकोद्भिद या सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जो कि बालू मिट्टी या बालू रेत में उगते हैं, बालू रेत में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एलोवेरा। अगला है लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद। कुछ पादप जो है पथरीली भूमि पर या चट्टानी जो भूमि होती है, चट्टानों पर पाए जाते हैं, ऐसे पादपों को हम शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स कहते हैं, जैसे यूफोर्बिया, डंडाथोर जिसको हम कहते हैं, आसानी से मिल जाता है, ये आसानी से देख पाते हैं हम इसको पथरीली ज़मीन पर या पथरीले पहाड़ों पर। दूसरा है साइक्रोफाइट्स या शीतोद्भिद। ऐसे जो पादप हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान काफ़ी कम रहता है, जैसे हम बात करें टुंड्रा प्रदेशों की, टुंड्रा प्रदेशों में माइनस में तक तापमान रहता है। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं, ऐसे पेड़ पहाड़ होते हैं जो कि स्नो कैप्ड होते हैं, अर्थात उनके बर्फ़ पाई जाती है उनके ऊपर, तो ऐसी जगहों पर पाए जाने वाले जो पादप हैं उनको हम शीतोद्भिद या साइक्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर थैलिक्ट्रम है, सेलिक्स है, एक्सेट्रा। अगला पादप का प्रकार है एपीफाइट्स, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। एपीफाइट्स को हम हिंदी में अधिपादप भी कहते हैं, अर्थात ऐसे पादप जो किसी पादप के ऊपर पाए जाते हैं, किसी पादप पर चिपके रहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा ये कोई पादप है, बड़ा कोई पादप है, और इस पादप के यहाँ पर कोई क्षति हो चुकी है, या फिर ये टिश्यू जो है यहाँ से गायब हो चुका है इतना, तो इस टिश्यू में होता क्या है, या फिर इस तने का जो भाग है इसमें क्या है कि बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, विभिन्न प्रकार के मौसमी एवं वातावरणीय परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ मिट्टी के कण, जो धूल के कण हैं, वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं, तो ऐसे पादपों पर कुछ नए पादप उग जाते हैं। ये जो नए पादप हैं यह कहलाते हैं एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स जो हैं ऐसे पादप होते हैं जो कि किसी दूसरे पादप पर उपस्थित होते हैं, दूसरे पादप पर उगते हैं, लेकिन ऐसे पादपों को हम पैरासाइट नहीं कह सकते। पैरासाइट वे पैरासिटिक प्लांट या पैरासाइट प्लांट वे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने भोजन तथा जल के लिए एवं खनिज लवणों के लिए दूसरे पादप पर आश्रित रहते हैं, जबकि एपीफाइट्स जल, भोजन एवं खनिज लवणों के लिए दूसरे पादप पर आश्रित नहीं रहते, केवल वे आवास की प्राप्ति करते हैं दूसरे पादप से, और अब खुद ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, खुद ही अपने खनिज लवणों को का अवशोषण करते हैं।
जब इनमें ये मृदा में स्थित नहीं रहते हैं, फिर भी इनमें जो जल का अवशोषण कैसे होता है, तो उसके लिए इनमें जो रूट्स पाए जाती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, आर्द्रता ग्राही जड़ें जो वातावरणीय नमी को सोख लेती हैं अपने अंदर और उसकी सहायता से अपने अंदर जल की जो आपूर्ति है उसको नियमित करती हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स में एक ये वेलामिन नामक टिश्यू पाया जाता है इन पादपों में। वेलामिन नामक जो टिश्यू है पूरे पादप काय में, यह है टिश्यू। इसकी जो मृदुत की ये कोशिकाएं होती हैं, इनकी भित्ति, कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है, थिन सेल वॉल होती है। तो इस थिन सेल वॉल के वजह से ये कोशिकाएं बाहरी नमी को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो वेलामिन टिश्यू का पाया जाना, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स का पाया जाना इन एपीफाइट्स का एक मुख्य विशेषता होती है। उदाहरण के लिए ऑर्किड, वेंडा एटसेट्रा, ये एपीफाइट्स होते हैं। तो आज हमने कुछ कारणों से पादपों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में बात की। विविधता जो है और भी स्वभाव के अकॉर्डिंग, डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिट, डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स, तो इनके आधार पर हम और देखेंगे अगले वीडियो में।